हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके साथ वीकली करंट अफेयर्स। देखो, ये करंट अफेयर्स आपके एंड तक चलेंगे और हमारे पास 31 जुलाई तक हम आपके कवर कर रहे हैं। ये सीरीज़ का पार्ट 3 है करंट अफेयर्स का, वीकली करंट अफेयर्स का। हमने ये करंट अफेयर्स स्टार्ट किए हैं, ये सीरीज़ स्टार्ट की हैं। इसमें हमें आपका भरपूर सपोर्ट चाहिए ताकि हम इसको कंसिस्टेंसी जो है बरकरार रखें। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखो और अपने जो करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करो, क्योंकि हम यहाँ पर वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर रहेगा, लेकिन आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं, वो हमने सारे कवर किए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। तो पहली जो न्यूज़ है आपकी, नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स की बात करिए यार। यहाँ पर इनको क्या बोला है, मैन विद द गोल्डन आर्म इनको कहा गया है। तो ये जो सूबेदार नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने ओलंपिक्स में जो है जैवलिन थ्रो में गेम में पार्टिसिपेट किया था और काफ़ी उम्दा खिलाड़ी रहे थे। इंडिया के लिए इन्होंने सिल्वर जो है मेडल लेकर आए थे और 88.13 मीटर का इनका थ्रो रहा था। इसके अलावा जो पहले इंडियन थे जिन्होंने हमारे लिए एक ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे, उनका भी नाम हम याद रख सकते हैं। सो अंजू बॉबी जॉर्ज जो थे, ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे 2003 में। ठीक है, तो ये भी हम जो है नाम याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग कब से कब तक शुरू होएगी। जो 25 जुलाई से जो है स्टार्ट होएगी फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग। ठीक है, तो ये जो है वुमेन लीग है ये 25 जुलाई से स्टार्ट होएगी और होस्ट कौन करेगा इसको, तालकातोरा इंडोर स्टेडियम जो है इसको होस्ट करेगा, न्यू दिल्ली में जो है ये खेली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया 25 जुलाई से इसको खेला जाएगा, भरपूर इसको होस्ट कौन करेगा, इंडोर तालकातोरा में होएगा, इंडोर स्टेडियम में वहाँ पर खेला जाएगा। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, सो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है ना, और यहाँ पर इन्होंने ही, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया है, कितना, 1,54,00,000 रुपीज़ सैंक्शन किए हैं इस लीग के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, 21 स्टेट्स जो हैं पार्टिसिपेट करी हैं एंड मोर देन 300 वुमेन जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस टूर्नामेंट में। ठीक है ना, एक और आपको नाम में इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उनका नाम हम याद रखेंगे, भवानी देवी। ठीक है, सो भवानी देवी जो हैं ये एथलीट है टोक्यो ओलंपिक से, आपने इनका नाम सुना होगा, और टारगेट पोडियम स्कीम जो है वहाँ से ये एथलीट हैं और ये लीग को कंप्लीट करेंगी एक सीनियर कैटेगरी के इवेंट में। ये किसके बिहाफ पर खेल रही हैं, ये तमिलनाडु स्टेट के बिहाफ पर खेल रही हैं। ठीक है, सो भवानी देवी जिन्होंने ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था, ये तमिलनाडु स्टेट के उससे खेल रही हैं। ठीक है ना, बिहाव से खेल रही हैं। आगे बढ़ते हैं यार, अगली जो न्यूज़ है यार वो भी बहुत बढ़िया न्यूज़ है। यहाँ पर बात करी है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे की। तो ड्राउनिंग समझते हो, डूबना। ठीक है, तो डूबने से देखो बहुत लोगों की जान जाती है, बहुत लोग मरते हैं, काफ़ी हमारे जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके लिए ये डे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों को बचाया जाए ड्राउन होने से। और ये जो ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे है ये सेलिब्रेट किसने किया है, WHO ने जो है इसको एक दिन बनाया है, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। हर साल 25 जुलाई को जो है ये सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये किसने इस्टेब्लिश किया, ये UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन के तहत जो है इस्टेब्लिश किया गया है। WHO भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बहुत ज़्यादा जो डेथ हो रही है, ग्लोबली डेथ हो रही है, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, एक समुंदर के तट पर ही जो है काफ़ी बच्चे सेल्फीज़ ले रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे मौसम को, लेकिन अचानक से लहर आती है और 2-3 लोग जो हैं वहीं पर डूब कर मर जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डेथ जो है ग्लोबली देखी जा रही है बच्चों की, और इनफैक्ट यंग पीपल की, जिनकी स्पेशली एज है 1 से 24 के बीच में। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ, हर साल एक एस्टिमेटेड जो रिकॉर्ड है वो 236,000 लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डूबने से मरते हैं।
तो इस तरीके का बचाव करने के लिए, इस तरीके का प्रिवेंशन करने के लिए एक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, ठीक है। और कौन इसको जो है इस्टेब्लिश करता है, इट वॉज इस्टेब्लिश बाई UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, ठीक है। और WHO ने इन्वाइट किया टू डू वन थिंग टू सेव लाइव्स ऑन वर्ल्ड, हैशटैग जो है एक तैयार किया है ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे का, या ड्राउनिंग प्रिवेंट डे का जो है एक हैशटैग WHO ने ही तैयार किया है। और सोशल मीडिया पर WHO रेकमेंड कर रहा है कि यही हैशटैग यूज़ किया जाए ताकि इस तरीके की अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो न्यूज़ है ये देखो यार, ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में है। मुर्मू जो हमारी 15th अभी प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, और उन्होंने अभी ओथ लिया। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में वैसे तो हमारे पास एक, हमने अपने चैनल पर वीडियो भी जो है एक प्रॉपर यहाँ पर डाला हुआ है इनके बारे में, पूरी डिटेल बायोग्राफी और जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमने डिस्कस करी हैं उस न्यूज़ उस वीडियो में। अगर हम बात करें तो ये अभी 15th प्रेसिडेंट जो हैं वो घोषित करी गई हैं इंडिया की, और इन्होंने अभी ओथ लिया है एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कहाँ पर, पार्लियामेंट में ही जो है ओथ लिया जाता है, और किसके प्रेजेंस में, नरेंद्र मोदी की। तो इन शॉर्ट जो प्रेसिडेंट है वो ओथ जो है हमेशा प्राइम मिनिस्टर की और अदर सीनियर जो पॉलिटिशियंस रहते हैं उनके प्रेजेंस में ओथ लेते हैं, ठीक है। इनकी मैं बात करूँ, इनका जन्म हुआ है 20 जून 1958 में, ठीक है। 64 ईयर्स की हैं, और इन्होंने जो है BJP भारतीय जनता पार्टी से ही जो है ये बिलोंग करती थी, और यही अभी के प्रेसिडेंट रही हैं, 15th और करंट प्रेसिडेंट हैं इंडिया की सिंस July 25, 2022, ठीक है। देखो ये पहली प्रेसिडेंट है जो कि आपकी ट्राइबल सेक्शन से बिलोंग करती हैं, स्केड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट हैं अभी, ठीक है। आफ्टर प्रतिभा पाटिल शी इज़ द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये हम ऑलरेडी, मैं वापस बोल रही, डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो में, आप वहाँ पर जाके ये चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, और अपने नंबर याद रखना है, 15th प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो चाइना जो है इट लॉन्चेस वेंशियन सेकेंड ऑफ इट्स 3 स्पेस स्टेशंस, ठीक है। तो चाइना ने जो है स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है अपना, जिसका नाम है वेंशियन, ठीक है। तो वेंशियन जो है एक लेबॉरटरी, जो सेकेंड ऑफ द 3 मॉड्यूल्स जो हैं इस नए स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया गया है। ये मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट है बीजिंग्स एम्बिशियस स्पेस प्रोग्राम की। तो क्या नाम है, वेंशियन जो है चाइना ने लॉन्च किया है, ये चाइना का सेकेंड स्पेस स्टेशन है, 3 में से ये दूसरा स्पेस स्टेशन का मॉड्यूल है वेंशियन, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी चाहिए तो आप देखो यार, थोड़ी बातें हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि सेकेंड मॉड्यूल कॉल्ड वेंशियन जो चाइना ने लॉन्च किया है, ठीक है। और वेंशियन जो है इट टुक ऑफ अब्रॉड अ लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, ठीक है, फ्रॉम दी, कहाँ से, इन्होंने वेंचांग स्पेस लॉन्च साइट से जो है इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वेंशियन मॉडल जो है इसमें इक्विपमेंट्स, वो इक्विपमेंट्स इसमें कंटेन किए जाते हैं जो अलाउ करते हैं चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को, ठीक है, जिनको हम टाइकोनॉट्स भी बोलते हैं। तो चाइना के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको आप टाइकोनॉट्स भी बोलते हैं, और ताकि ये जितनी भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने भी जो स्पेस के रिलेटेड चीज़ें हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं अपने टाइम पे, ठीक है। तो स्पेस स्टेशन में जो है वेंशियन लॉन्च किया गया है, और यहाँ पर रहकर चाइना के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको हम टाइकोनॉट्स भी बोलते हैं वो वहाँ पर जाके परफॉर्म कर सकते हैं वेरियस साइंटिफिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी न्यूज़ पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगली बात करें तो यार, अगली जो न्यूज़ है हमारी, वो सेंटर ने मॉडिफाई किया है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को, 2002 का जो फ्लैग कोड था इंडिया को, इसको मॉडिफाई किया है टू परमिट ट्राई कलर टू बी डिस्प्लेड कॉन्स्टेंटली। तो ये भी एक जो टॉपिक है, हम ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया गया है, चेंजेस लाए गए हैं, अमेंडमेंट्स हुआ है, और यहाँ पर एक जो चेंज है वो ये भी लाया गया है कि फ्लैग जो है अब उसको जो कि पहले सनराइज से लेके सनसेट के टाइम तक ही ओपन किया जा सकता था, डिस्प्ले किया जा सकता था, लेकिन अब वो थ्रू आउट इट कैन बी डिस्प्लेड कॉन्स्टेंटली, ठीक है। उसके अलावा ये जो फ्लैग कोड है इंडिया का 2002 में,
ये रिवाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इससे पहले भी जैसे मैंने आपको बताया फ्लैग कोड को रिवाइज किया गया है 2021 में, जो है चेंजेस लाए गए थे जहां पर फ्लैग जो है अब पहले जो कि बना जाता था सिर्फ और सिर्फ खादी मटेरियल से या फिर कॉटन से बनाया जाता था, लेकिन आफ्टर द अमेंडमेंट 2021 में जो किया गया था अब उसको पॉलिएस्टर से भी बनाया जा सकता है और मशीन मेड भी जो है फ्लैग्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो फ्लैग कोड को पहली बार ये अमेंड नहीं किया गया है, इसको पहले भी अमेंड कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कहाँ पे जो है इसके अमेंडमेंट का या फिर फ्लैग कोड के बारे में कहाँ पर बताया गया है, तो पार्ट टू में जो है फ्लैग के बारे में डिस्कशन किया गया है। और जो फ्लैग कोड है हम उसको तीन पार्ट्स में डिस्क्राइब करते हैं। पहला जो पार्ट है यहाँ पर सिर्फ फ्लैग की डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है कि रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, तीन कलर्स में होना चाहिए, बीच में 24 स्पोक्स होती हैं जिसको अशोक चक्र बोला जाता है एंड सो ऑन। दूसरा जो पार्ट है वो हमें बताता है कि किस तरीके से नेशनल फ्लैग्स को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्प्ले करे, उसके बारे में डिटेल दी है। और थर्ड पार्ट में बोला गया है सेंटर और स्टेट किस तरीके से डिस्प्ले कर सकता है फ्लैग को। ठीक है, तो फ्लैग कोड भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। पार्ट टू, ठीक है, क्लॉज 11 से जो है ये अमेंड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये अभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ये फिर से वापस से न्यूज़ आया है वेंशियन जो है चाइना ने लॉन्च किया है, ये थर्ड स्पेस स्टेशन मॉड्यूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयकर दिवस या फिर इनकम टैक्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है बाय CBDT, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं ये सबसे पहले तो एक ऐसी बॉडी है जो कि डायरेक्ट टैक्सेस को किस तरीके से कंट्रोल करना है, कितने जो टैक्स है वो लगना चाहिए उस पर ये बात करता है। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में ये डायरेक्ट टैक्स जो हैं जो कि आपकी पर्सनल इनकम पर लगाए जाते हैं और कितना टैक्स लगाया जाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो CBDT ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, उसके बाद मैं अगर बात करूँ डायरेक्टर कौन है CBDT का, पहले तो ये भी हम देख लेते हैं। तो नितिन गुप्ता जो हैं वो डायरेक्टर हैं अभी CBDT के। तो आयकर दिवस या इनकम टैक्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सेलिब्रेट करता है, CBDT ही सेलिब्रेट किया करता है। और यहाँ पर ये 162nd इनकम टैक्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाएगा, कब, 24 जुलाई 2022 में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा अगर आपसे कोई पूछ लेगा आयकर दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है और किससे रिलेटेड है या फिर कौन इसको सेलिब्रेट करता है, सबसे बड़ी बात कौन सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो ये CBDT सेलिब्रेट करता है। ठीक है, ओके, सो 160 और किस नंबर का है, 162nd इनकम टैक्स डे है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसके अलावा मैं बात करूँ तो हर साल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो अवेयरनेस है कि टैक्सेशन जो है वो भरना चाहिए या फिर टैक्स जो है हर इंसान को देना चाहिए और उसके ऊपर की अवेयरनेस के लिए जो है ये बात करते हैं, इसलिए ऐसे दिन जो है सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगली जो न्यूज़ है, कारगिल विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 जुलाई को, 1999 में जो है ये दिन हुआ था और हर दिन हर साल जो है हम ये सेलिब्रेट करते हैं। और ये भी आपकी एक अलग से मैंने न्यूज़ अलग से आपका वीडियो बना हुआ है हमारे YouTube चैनल पर, आप उसको जाके देख सकते हैं, डिटेल में कारगिल विजय दिवस के बारे में बात करी है। ठीक है, सो कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को सेलिब्रेट होता है और हमने इंडिया ने जो हिस्टोरिक विन थी पाकिस्तान के ऊपर जब वो जीती थी उसके ऊपर जो है ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर ऑपरेशन विजय जो है वो एक कोड नेम रखा गया था और वो जो है हम लेकर चलते हैं। ठीक है ना, और देखो एक कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कौन से रिवर पर ये हुआ था, तो रिवर झेलम पर, ठीक है, जो कि श्रीनगर में पड़ता है वहाँ पर हमें ये देखने को मिला था। ठीक है, तो अच्छी न्यूज़ है, थोड़ी बहुत हमें पता होनी चाहिए कौन से नंबर का हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 23rd कारगिल विजय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया था इस बार। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और इंडिया का पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये कब से स्टार्ट होंगी, 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक जो है कॉमनवेल्थ गेम्स चलेंगी
और यहाँ पर इंडिया जो है उसके 37 मेंबर की एथलीट टीम है एंड इट इज़ ऑल सेट। देखते हैं क्या क्या चीज़ें कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर हम अलग वीडियो लेकर आएंगे और क्या क्या कितनी जो है इंडिया का पार्टिसिपेशन रहेगा कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्या क्या हमारे मेडल्स जो हैं कितने लेकर आएंगे, सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। किस भरी का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हो रहा है तो ब्रिमिंगम में जो है वो देखा जा रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स को देखो फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्रेंडली गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स होता है अमंग दी एथलीट्स फ्रॉम दी कॉमन जो भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं उनके बीच में होता है। पहला इवेंट कब हुआ था इसका, सो 1930 में सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, और हर 4 साल में जो है ये कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, हर 4 साल में कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये न्यूज़। और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में कौन कौन से कितने नेशंस आ जाते हैं तो 56 कंट्रीज़ हैं, 56 स्टेट्स हैं जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कॉमनवेल्थ में आपको देखने को मिलती हैं, और इसमें इंडिया जो है इंडिया भी पार्ट है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का, कॉमनवेल्थ नेशंस का। ठीक है ना, बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ही सबसे पहली जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी 1930 में देखने को मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ जो है हम वन सेकेंड इसको हम ओके सो एक और चीज़ है जो हम अगर मैं बात करूँ तो कैसे क्रिएट हुआ था तो एक बैल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, एक बैल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था और इट इज़ क्रिएटेड एज द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, तो यहाँ बैल्फोर डिक्लेरेशन से आपका कॉमनवेल्थ गेम्स का जो है निर्माण देखने को मिला था, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का जो है निर्माण देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद अगली मैं बात करूँ एमपी का जो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बुरहानपुर, ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन जाता है जहाँ पर हर घर जल, तो हर घर जल जो है एक स्कीम लॉन्च करी गई है जहाँ पर हर घर में जो है साफ पानी देखने को मिले। ये स्कीम है जो इनिशिएट करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और 2019 में जो है ये देखने को मिली थी, और इसका एम क्या है कि हर घर में जो है टैप वाटर, ठीक है, नलके से पानी हर घर को मिले, इजीली मिले और स्वच्छ पानी मिले, और ये जो है 2024 तक हमारा कंप्लीट होना चाहिए टारगेट। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये स्कीम अनाउंस करी थी 2019 में। ठीक है, तो यहाँ पर एमपी के बुरहानपुर एक पहला डिस्ट्रिक्ट बनता है जिसको हर घर जल का जो सर्टिफिकेशन है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हर घर में जो है टैप वाटर देखने को मिला है। ठीक है ना, तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इसको दरवाज़ा ऑफ दाखिन भी बोला जाता है, ये फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन चुका है इस कंट्री का। ठीक है, उसके अलावा अगली बात करें यार तो अगली न्यूज़ है राजनाथ सिंह के ऊपर, जिन्होंने अनाउंस किया फॉर्मेशन ऑफ कंबाइंड ट्राई सर्विस थिएटर कमांड्स। ठीक है, तो ट्राई सर्विस थिएटर कमांड्स किसने पहले तो अनाउंस किए, डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, और यहाँ पर क्या बात बोली गई है तो राजनाथ सिंह मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने इम्प्रूव किया है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस और अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड थिएटर कमांड्स। ठीक है, ऑफ थ्री सर्विस, तो थिएटर कमांड्स जो हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, और ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी रहेगी। किसने करवाई है भाई, राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, और इसके पीछे का आइडिया क्या है कि एक सिनर्जिस्टिक कोऑर्डिनेशन जो है तीनों ही ब्रांच में, नेवी, ठीक है, आपके एयरफोर्स और आपके डिफेंस, तीनों ही में ही जो है एक एनर्जी और एक कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ये काम कर सकें। ठीक है, और फर्दर ये एम करता है कि जो अलग अलग कमांड के जो यूनिट्स हैं जैसे कि आर्मी हो गई, नेवी हो गई और एयरफोर्स हो गई, ठीक है, वो एक ही सिंगल कमांडर के अंडर, सिंगल कमांडर जो हैं वो काम करें। ठीक है, तो ट्राई सर्विस थिएटर कमांड जो है अनाउंस किया किसने, राजनाथ सिंह ने। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अभी तक कितने थिएटर कमांड्स हैं इंडिया में तो अंडर दी प्रपोज ऑफ 4 जो थिएटर कमांड्स हैं वो कौन कौन से हैं, एयर है, ठीक है, मैरीटाइम है, और इंटीग्रेटेड ईस्टर्न एंड जो वेस्टर्न थिएटर कमांड्स हैं ये एक जॉइंट वो काम करते हैं टूवर्ड्स द बेटर सिक्योरिटी। ओके, उसके अलावा जो है अगर आगे हम बात करें तो अगली जो न्यूज़ है, इंडिया जापान ने एक मैरीटाइम पार्टनरशिप कंडक्ट करी है, एक्सरसाइज का नाम है MPX
कहाँ पर कंडक्ट करने देखने को मिली है हमें, तो अंडमान सी में हमें देखने को मिली है, इंडिया जापान, ठीक है। तो MPX की बात करी है, ठीक है, मैरीटाइम पार्टनरशिप की बात करी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX ही कहाँ पर कंडक्ट हुई, बिटवीन जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन नेवी में देखने को मिली। कहाँ पर देखने को मिली है भाई, अंडमान सी में देखने को मिली है। INS सुकन्या, जो कि हमने नाम याद रखना है, सुकन्या जो कि एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, एंड GS समाद्री एक मुरासम क्लास डिस्ट्रॉयर है। इन्होंने वेरियस एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई हैं जिसमें सीमैनशिप एक्टिविटीज़, एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस और टैक्टिकल मैन्यूवर्स जो हैं वो भी देखने को मिले हैं। तो ये हमने नाम याद रखना है, MPX किसके बीच में है, इंडिया और जापान के बीच में है। मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट करवाई जा रही है, तो ये कंडक्ट करवाई जा रही है अंडमान सी में, ठीक है ना। INS सुकन्या, ठीक है, GS समाद्री और मुरासिम क्लास जो हैं ये यूज़ किया गया है। अगली जो न्यूज़ है IIT कानपुर से रिलेटेड है, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया है। और निर्माण एक्सेलरेटर जो प्रोग्राम है, सबसे पहले किसने किया है, IIT ने किया है। उसके बाद मैं बात करूँ तो ये स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर IIT में है, इन्होंने निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। और इसके ऊपर जो है काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि डीप डाइव कस्टमाइज सपोर्ट है, क्लिनिकल वैलिडेशन का 1-on-1 मेंटरिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, 6-month स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। निर्माण एक्सेलरेटर ये चीज़ें ऑफर करता है, बिजनेस एंड इन्वेस्टर कनेक्ट रहेगा, नॉलेज वर्कशॉप्स रहेगी, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है और थोड़ी सी हमारे लिए जो है थोड़ा हम इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। उसके अलावा मैं आगे बात करूं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, नई रामसर साइट्स जो हैं इंडिया में अनाउंस किया गया है, मतलब देखने को मिला है। तो अब जो इंडिया की जो रामसर साइट्स पहले 49 थी, अब कितनी हो गई हैं, 54 हो गई हैं, ठीक है। तो नई रामसर साइट्स इंक्लूड कौन कौन सी हुई हैं, 3 वेटलैंड्स इंक्लूड हुए हैं तमिलनाडु में, 1 मिज़ोरम में है और 1 मध्य प्रदेश में। तो टोटल कितने हुए, 3, 4 और 5, ठीक है, 5 साइट्स और इंट्रोड्यूस करी गई हैं रामसर साइट्स की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये 5 रामसर साइट्स नई कौन कौन सी इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो 3 हमने कहाँ देखने को मिली, 3 ही जो वेटलैंड्स हैं वो कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो 5 न्यू रामसर साइट्स हैं वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंडर रामसर कन्वेंशन, जिनको हम कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी बोलते हैं। अब हमारे पास टोटल रामसर साइट्स 54 हैं। बात करूँ तो कौन कौन सी रामसर साइट्स इंक्लूड करी गई है, तो एक तो आपकी कहाँ की मैंने बात करी थी, तमिलनाडु की, राइट। तो तमिलनाडु की जो रामसर साइट्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक है आपकी कारिकली बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये तमिलनाडु की है। फिर पाली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु के रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है। फिर एक और है आपका पिचावरम मैंग्रोव, ठीक है, ये भी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के 3 हैं, कारिकली, पाली करनाई एंड पिचावरम, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की जो है वो है आपकी साख्या सागर, ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी है, साख्या सागर। और पाला वेटलैंड जो है वो आपको मिजोरम में देखने को मिलेगी, ये इंक्लूड करी गई हैं रामसर साइट्स में। तो रामसर साइट्स जो पहले की 49 थी, अब कितनी हो गई हैं, 54 हो गई हैं। रामसर साइट्स की बात करूँ तो रामसर, देखो एक कन्वेंशन कंडक्ट करवाया गया था ईरान में, रामसर कन्वेंशन कंडक्ट करवाया गया था, और यहाँ पर कुछ ऐसे साइट्स को रामसर साइट्स के अंदर डाला गया था जिनकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, ठीक है, और वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए उसका हम रखा रखे। और ये रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में कंडक्ट करवाया गया था ताकि कंजर्व किया जाए, सस्टेनेबल यूज़ हो सके रामसर साइट्स का, वहाँ पर हम एक अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें वहाँ की लैंड का, वहाँ के पानी का, जो भी चीज़ें हैं। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ, उसकी हाईएस्ट रामसर साइट्स हैं, ठीक है, अमंग दी साउथ एशियन कंट्रीज़। तो टोटल कितनी हो गई हैं, 54 हो गई हैं, पहले कितनी थी, 49 थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, 5 रामसर साइट्स और ऐड करी गई हैं। हमने देखी 3 कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में हैं,
एक मिजोरम में है और एक मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी, ठीक है ना। तो हमने देखी तमिलनाडु में कौन कौन सी हैं, तीन यहाँ पर है आपकी कारिकली, ठीक है, पालीकरनाई एंड पिचावरम, ठीक है। तो कालीकरी, पालीकरनाई एंड पिचावरम कहाँ की है, तमिलनाडु की। मिजोरम की अगर मैं बोलूँ तो पाला, ठीक है, मिजोरम में क्या हुआ, पाला, ठीक है। और साख्या सागर, साख्या, ठीक है, साख्या सागर कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को वैसे भी हार्ट ऑफ दी कंट्री बोला जाता है। तो सागर क्या होता है, पूरा का पूरा सागर जहाँ पर मिलता है, बीच में मिलेगा कहीं जाकर, ठीक है ना। तो हम उसे ऐसे याद रख सकते हैं, साख्या सागर मध्य प्रदेश की है और वो बीच में ही है मध्य प्रदेश भी, ठीक है ना। तो मिजोरम में पाला है और बाकी तमिलनाडु में क्या है, कारिकली है, पालीकरनाई एंड पिचावरम है। आई होप अभी आपको ये याद हो गया होगा। उसके अलावा अगली बात करते हैं, अगली जो न्यूज़ है वो हमारी लार्ज स्टैचू जो है चंद्रशेखर आज़ाद की बात करी गई है, उसको इरेक्ट किया जाएगा कहाँ पर, भोपाल में। अगेन ये अलग से टॉपिक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, इनके सारा का सारी क्या क्या इनकी न्यूज़ थी, क्या क्या इनके बारे में बातें थी, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, अलग सा टॉपिक है, आप एक बार उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो है एक इनका स्टैचू इरेक्ट किया जाएगा कहाँ पर, भोपाल में, ताकि ऑनर किया जा सके जिनका जो इनके इनका जो भी सैक्रिफाइस रहा है। आपको पता है एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी ये फाइटर रहे थे, फ्रीडम फाइटर रहे थे, और इनका एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी रहे हैं बहुत ही यंग लोगों के लिए, ठीक है ना। इनके जो साथ ही साथ इनके जो साथी थे जैसे कि रामप्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है, उसके अलावा भगत सिंह और ये सब जितने भी इनके साथी थे, ये भी एक रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बहुत भरपूर लड़ाई करी थी। और मैं आपको बात करूँ तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, भावड़ा में हुआ था जन्म, और इनका डेथ हुआ था अलाहाबाद में, ठीक है ना। तो हमें वहाँ पर देखने को मिला था, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है एक पार्क में अपने आप को शूट कर दिया था, खुद ही गोली मार दी थी कि उनको ब्रिटिशर्स के हाथ नहीं मरना था, और उन्होंने खुद ही अपने आप की जान दे दी थी, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं बहुत बड़े ये रेवोल्यूशनरी थे। उसके बाद काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था उसमें भी इनका जो है पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबसे पहले इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और कौन से पार्क में इनके डेथ हुए थे, अलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क नाम था इसका, जहाँ पर इन्होंने अपनी खुद ही जो है गोली से हत्या कर दी थी, ठीक है ना। तो अगली जो न्यूज़ है, ये पूरा का पूरा जो आप इनके बारे में अगर मैं बातें करूँ, ये सारी की सारी जो इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके एक बारी देख सकते हो। अगली जो न्यूज़ है वो लद्दाख फेस्टिवल की बात करी गई है। तो लद्दाख फेस्टिवल कारगिल लॉन्च्ड बाय CECLAHDC कारगिल, ठीक है। तो लद्दाख फेस्टिवल कारगिल 2022 किसने इनॉग्रेट किया, लद्दाख बाय CECLAHDC कारगिल फिरोज अहमद खान, ठीक है, कहाँ पर हुआ है, क्री सुल्तान चाओ स्टेडियम में, बेमथांग कारगिल में, ठीक है ना। तो छोटा सा न्यूज़ है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। देखो फर्स्ट बांग्लादेशी ये हैं, इनका नाम हमें याद रखना है, वासीफ़ा नजरीन, जिन्होंने जो हाईएस्ट पीक है K2, ठीक है, कंचनजंगा की हाईएस्ट पीक जो है उन्होंने इसको क्लाइम किया है, वसीफ़ा नजरीन, ठीक है, ये बिकेम पहली पर्सन रही हैं बांग्लादेश से जिन्होंने इसको क्लाइम किया है टू असेंड पाकिस्तान्स एडमिनिस्ट्रेट K2 सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक। तो एक तो K2 जो कंचनजंगा जो है ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इसकी 8611 मीटर्स हाइट है अबव द सी लेवल, और माउंट एवरेस्ट के बाद यही एक सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और ये पहली बांग्लादेशी हैं जिन्होंने इसको क्लाइम किया है, ठीक है ना। कहाँ पर लाए करता है, काराकोरम रेंज में जो है आपको देखने को मिलेगा K2, ठीक है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और ये कौन से रीजन में लाए करता है, गिलगित बाल्तिस्तान रीजन में जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट रीजन में है, PAK में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बाल्तिस्तान। उसके बाद मैं बात करूँ थोड़ा सा, ये चाइना इसको एडमिनिस्टर करता है। तो इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी न्यूज़ है, ये पर्सनालिटी का नाम हमें याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जम्मू फिल्म फेस्टिवल जो है वो अभी कब से कब तक बिगिन होएगा, सितंबर 3 से जो है
देखने को मिलेगा, जम्मू फिल्म फेस्टिवल। इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा यहाँ पर, क्या है कि देखो यहाँ पर अगर ये जो सेकेंड एडिशन है, इससे पहले भी फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर हो चुका था, ठीक है, और ये जो एडिशन रहेगा ये सेकेंड एडिशन रहेगा और ये 3rd of September से स्टार्ट होएगा। काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स जो हैं वो देखी जाएंगी फ्रॉम 54 countries स्लेटेड टू बी स्क्रीन ओवर द 2 days ऑफ द इवेंट। तो 2 दिन के इवेंट में जो है 54 countries की जो फिल्म्स होंगी वो देखी जाएंगी, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए अवेयरनेस जो है इस तरीके का जम्मू फिल्म फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो फिल्म के अगर बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर जो है हम लोगों को एक एक्सपोजर मिले, जम्मू वासियों को पता लगे चीज़ों के बारे में, थोड़ा एक्सपोजर मिले और इसका अवेयरनेस बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। आगे बात करें तो बजराम बेगज जो है इन्होंने ओथ लिया एज अल्बानियाज प्रेजिडेंट, ठीक है। तो छोटा सा न्यूज़ है, अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट कौन है, बजराम बेगज हैं, ठीक है, 9th प्रेसिडेंट हैं अल्बानिया के, और ये रिटायर्ड मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिशियन भी हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इंडिया के ये पर्सनालिटी हैं इंदरमीत गिल, इनको वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो नेम किए गए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, पर्सनैलिटी का नाम याद रखना है, कौन है, इंदरमीत गिल, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के सीई जो हैं चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है वो इनका अपने पर्सनालिटी का नाम याद रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक देखो यार ये जो बैंक है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहता है, ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है लोन्स, ठीक है, एंड ग्रांट्स प्रोवाइड करता है टू द गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो जो भी लो इनकम कंट्रीज़ हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड करेगा, ग्रांट्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और मदद करता है डिफरेंट कंट्रीज़ की। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, हेड क्वार्टर Washington DC में आपको देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट में। प्रेसिडेंट कौन है इसके, तो प्रेसिडेंट भी मैं आपको बता देती हूँ, ये हैं डेविड मालपास, ठीक है, डेविड मालपास जो है वो प्रेसिडेंट है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं, ये इंडिया के पर्सनालिटी हैं इंदरमीत गिल, इसलिए हम इनका नाम याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, और वाइस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी यही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है और ग्रांट प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूँ लोन और ग्रांट के बीच में क्या डिफरेंस है यार, तो देखो लोन क्या होता है, लोन वो होता है जो थोड़े टाइम के लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री को देती है, वर्ल्ड बैंक जो है किसी को देता है और ब्याज पर वापस आता है, ठीक है, इंटरेस्ट पर वो पैसे वापस आते हैं। अगर 100 रुपया दिया है फॉर एग्जांपल, 10 रुपये का 10% इंटरेस्ट है तो 110 रुपये वापस आएंगे, ये है लोन, इंटरेस्ट पर वापस आता है, ठीक है। ग्रांट क्या है, ग्रांट ये एक तरीके का गिफ्ट है, एक बारी दे दिया तो वापस नहीं लेना है, ग्रांट कर दिया, ठीक है ना। तो वर्ल्ड बैंक दोनों ही चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करवाता है डिफरेंट कंट्रीज़ को, जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं या फिर जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। कहाँ पर फाउंड हुआ था, तो ये फाउंड इसका एग्जैक्ट डेट है July 1944 में वर्ल्ड बैंक फाउंड होता है, ठीक है, फॉर्मेशन होता है इसका, और ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट में जो है ये फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूनाइटेड नेशन है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जो है गिवन टू अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन टू एनहांस टूरिज्म। तो सुभाष चंद्र बोस जी का आइलैंड का नाम है वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पर उसको जो है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया है ताकि टूरिज्म को एनहांस किया जा सके। सुभाष चंद्र बोस एक हिस्टोरिक नेता हैं, ठीक है, लीडर थे, और ये जो हिस्टोरिक नेता जी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है ये ट्रांसफ़र किया गया फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार कमांड टू अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले ये कमांड में था, अब एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया है ताकि टूरिज्म को एनहांस किया जा सके। सुभाष चंद्र बोस अगर मैं उनकी बात करूँ तो एक वो इंडियन नेशनलिस्ट रहे थे, ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है फाइट करा था, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये एक
हीरो की तरह देखे गए थे, ठीक है। और इन्होंने जो है आपका इंडियन नेशनल आर्मी का जो फॉर्मेशन हुआ है 1942 में, उसमें भी इनका भरपूर सहयोग हमें देखने को मिला है, ठीक है। वॉर टाइम अलायंसेस जो नाजीज और जर्मनी के साथ देखने को मिले थे उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। बर्थ इनका कब हुआ था, तो 1897 में इनका बर्थ हुआ था, 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी को बर्थ हुआ था। और 23 जनवरी को मैं आपको बता दूँ, इसी दिन हम एक दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, पराक्रम दिवस, ठीक है। पराक्रम दिवस जो है वो सेलिब्रेट होता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो थे, इनको नेताजी सबसे पहले किसने बुलाया था, हु कॉल्ड हिम नेताजी फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो देखो, ये जो नेताजी इनको बुलाया गया था, एक रिस्पेक्टेड लीडर के नाम से इनको बुलाया गया था, ये इनको जर्मनी में जो है सबसे पहले बुलाया गया था 1942 में, और इंडियन सोल्जर्स थे वहाँ पर, ठीक है। जब इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन करना था, जो इंडियन सोल्जर्स थे उस रीजन के और जो जर्मन इंडियन ऑफिशियल थे, उन्होंने इनको जो है नेताजी का नाम दिया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इनका जो टाइटल था नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये इनको जर्मनी में ही मिला था, और इंडियन सोल्जर्स ने इनको दिया था जो कि आज़ाद हिंद फौज से बिलोंग करते थे, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स ने इनको नेताजी टाइटल दिया गया था, और आज़ाद हिंद फौज का भी फॉर्मेशन इन्होंने ही किया था, ठीक है ना। इनके बारे में बहुत ही देखो, अगर इनके बारे में पढ़ना हो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं इनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ओडिशा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो अब जो इनका एडमिन, यहाँ पे इनके आइलैंड का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, अब इसको ट्रांसफ़र किया गया है फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अगली बात करें, वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट के ऊपर बात करी गई है, तो नया न्यू दिल्ली जो है टॉप 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में आया है, ठीक है ना। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने ये रिपोर्ट रिलीज़ करी गई है, सबसे ज़्यादा जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो कौन सा है, तो यहाँ पर दिल्ली जो है टॉप 20 में देखने को मिला, ठीक है। इंडिया जो है ICC वुमेन ODI वर्ल्ड कप 2025 होस्ट करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। थोड़ा सा कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है, और यहाँ पर ICC ने कंफर्म किया, इंडिया जो है ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025 होस्ट करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं मंकी पॉक्स, अगेन ये जो मंकी पॉक्स के ऊपर पूरा का पूरा जो इसके ऊपर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मंकी पॉक्स की जो वैक्सीन है, कब हुआ था सबसे पहला मंकी पॉक्स का केस, कहाँ देखने को मिला था, तो ये भी मैं आपको बता दूँ, साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था, ठीक है ना। एशिया में मंकी पॉक्स का केस अभी तक आया नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रैवल हिस्ट्री से हमें देखने को मिला है, लेकिन अर्लियर साउथ अफ्रीका में ही सबसे पहला केस मंकी पॉक्स का देखने को मिला था। अब WHO की वार्निंग आई है कि ये जो मंकी पॉक्स है ये बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हो रहा है, और एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी जल्दी ही डिक्लेयर हो सकती है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल कौन है, 33 अधानन गेब्रियस, तो इन्होंने ये बात कही, ठीक है। तो मंकी पॉक्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर हम लेकर आए हैं, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हो। उसके बाद रशिया ने डिसाइड किया टू लीव द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब देखो, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो अब कुछ 5 कंट्रीज़ के साथ मिलकर बना है, ठीक है ना। और वो जो 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक तो रशिया है, ठीक है, यहाँ पर और अगर हम देखें तो आपका चाइना है, ठीक है, जिसको हम चाइना स्पेस स्टेशन भी बोलते हैं CSA, ठीक है। यूरोपियन स्पेस स्टेशन है, ठीक है, जाक्सा है, ये आपका जापान का स्पेस स्टेशन है, नासा है, ये आपका US का स्पेस स्टेशन है, ठीक है ना। उसके बाद रोसकॉसमोस जो है ये आपका रशिया का स्पेस स्टेशन है, अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी 5 कंट्रीज़ हैं जहां पे मिलकर एक स्पेस स्टेशन बनाते हैं और इकट्ठे जो है ये काम कर रहे हैं। तो आपका चाइना का है, यूरोपियन का है, जाक्सा है, ठीक है, देन नासा का स्पेस स्टेशन है, और रोसकॉसमोस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रशिया ने डिसाइड किया है, विच इज़ रोसकॉसमोस, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो स्पेस स्टेशन है
ये लीव करेंगे आफ्टर 2024। देखो यार, ये जो स्पेस स्टेशन है ना, ये स्पेस में आपको देखने को मिलेगा और कुछ 5 कंट्रीज़ का एक ही स्पेस स्टेशन है जहाँ पर बैठकर ये सारी की सारी जो स्टडीज़ हैं स्पेस के बारे में, इंटरनेशनल सोलर सिस्टम के बारे में, सारी स्टडीज़ जो है वहीं पर ही करते हैं। अब कंट्रीज़ कोशिश यही कर रही हैं कि अपना स्पेस स्टेशन ये खुद बनाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रशिया ने डिसाइड किया है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है लीव कर देगा आफ्टर 2024। इसके पीछे काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज भी हो सकती हैं कि हो सकता है कि अपनी चाइना भी जो है अपना ही स्पेस स्टेशन बनाने का उसमें है। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि रशिया जो है, सिंस उसको वर्ल्ड पावर बनना है, तो वो कुछ भी कुछ करके अपना एक स्पेस स्टेशन बना के वहाँ पर कुछ प्राइवेट जो है रिसर्च करके एक वर्ल्ड पावर भी बन सकता है। तो कुछ भी बातें हो सकती हैं इसके पीछे, लेकिन अभी की न्यूज़ यही है कि रशिया ने डिसाइड किया है कि वो अपना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको अभी छोड़ देगा 2024 में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं, इन्होंने इन्फॉर्म किया ही वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द न्यूली अपॉइंटेड हेड ऑफ द मॉस्को स्पेस एजेंसी रशिया की। इन्होंने अपना डिसीजन लिया है कि वो 2024 के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को छोड़ देंगे, ठीक है ना। ओके, वन सेकेंड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो बात करी है नेपाल बिल एक आया है जहाँ पर सिटीजनशिप दिए जाएगी टू फॉरेन वेमेन मैरिंग लोकल्स। तो अभी तक ये सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती थी कि फॉरेन वेमेन अगर लोकल्स के साथ शादी कर रहे हैं नेपाल के साथ, लेकिन अब एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जहाँ पर इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड होगी, ठीक है ना। तो ये जो नया बिल है ये विल ऑल्सो बी एनेबल सेक्शुअल एंड जेंडर माइनॉरिटीज टू मेंशन देयर जेंडर आइडेंटिटी एज पर देयर सेक्शुअल ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ऐसा नेपाल की न्यूज़ है, एक थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। अगली जो न्यूज़ है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश के ऊपर न्यूज़ है। इन्होंने डिसाइड किया इम्प्लीमेंट करना फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो आंध्र प्रदेश उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ऑन पायलट बेसिस इन कहाँ पर विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में। जो प्रोजेक्ट है ये 15 अगस्त से जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है, ताकि हेल्थ सर्विस जो है वो इम्प्रूव की जा सके स्पेशली अमंग दी रूरल पॉपुलेशन। सो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट कौन है इंट्रोड्यूस कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, आंध्र प्रदेश इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगली जो न्यूज़ है जापान का साकुरजिमा वॉल्केनो, ठीक है। तो साकुरजिमा वॉल्केनो कहाँ पर हमें देखने को मिला, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जापान में देखने को मिला पहली चीज़, ठीक है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन कागोशिमा, ठीक है। प्रीफेक्चर एरप्टेड अराउंड 85। तो पहले ये जो वॉल्केनो है एरप्शन देखना मिला हमें यहाँ पर, साकुरजिमा वॉल्केनो नाम है, कहाँ किसका है, जापान का है। ये वॉल्केनो एरप्शन लार्ज वॉल्केनिक रॉक्स की वजह से एरप्ट हुआ है और 2.5 किलोमीटर तक ये देखने को मिला, ठीक है ना। अगली जो न्यूज़ है तो CSIR, ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ये होस्ट करेगा एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल्स, तो इसके ऊपर जो है ये एक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट होएगी। जो इवेंट होएगा ये ओपन कौन करेगा, रेनाउंड साइंटिस्ट हैं टी प्रदीप फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया Part 2 ऑफ फ्लैग कोड इंडिया। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया, फ्लैग कोड अमेंड किया गया है जहाँ पर ये Part 2 अमेंड किया गया है और क्लॉज 11 को हमने चेंज किया, पैरा 2.2 को थोड़ा सा अमेंड किया, जहाँ पर फ्लैग कोड को पहले डिस्प्ले आप सिर्फ सुबह ही कर सकते थे, अब उसको डे एंड नाइट जो है फ्लोन किया जा सकता है, ठीक है। सो ये न्यूज़ हमें देखने को मिली। अगली जो न्यूज़ है वो बात करी है इंडिया की बायो इकोनॉमी की, जो कि इट इज़ लाइकली टू टच 150 बिलियन बाय 2025, ठीक है। तो बायो इकोनॉमी जो है ये बढ़ सकती है 2025 तक, और ये एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट जो है इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट के द्वारा ही हमें देखने को मिली, और 300 बिलियन जो है 2030 तक बढ़ सकती है, ठीक है ना। सो अगर मैं की प्रोडक्ट्स की बात करूँ इंडियन बायो इकोनॉमी की, वो क्या क्या हैं, वो हैं बायोलॉजिक्स हैं, बायोथेरेपिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, कि किस तरीके से हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं, और ये जो
रिपोर्ट है, ये किसने लाई है, बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने, और द डाटा इज बेस्ड ऑन द बायोटेक सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। तो कितना जो बायो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है बायोटेक सेक्टर का वो देखने को मिल रहा है, तो ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है ये देखने को हमें अभी मिली, ठीक है, रिसेंटली। उसके बाद मैं आगे बात करूँ, ऑस्ट्रेलियन के जो कैप्टन है मैग लैनिंग, ये नंबर वन अभी रैंक हुए हैं T20 बैटर इन द ICC वुमेन्स T21 प्लेयर रैंकिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर T21 प्लेयर रैंकिंग में ये इनका नाम याद रखना है, मैग लैनिंग, इन्होंने जंप किया वन प्लेस टू सरपास हर टीममेट बेथ मुने, ठीक है। तो बेथ मुने का भी नाम याद रखना है, इसको सरपास किया आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो किसके अगेंस्ट लड़ा, पाकिस्तान एंड आयरलैंड के अगेंस्ट। तो बेथ मुनी अभी जो है सेकेंड रैंक करी गई हैं, इसके बाद आती हैं सोफी डेवनी एट द थर्ड प्लेस, ठीक है। इंडियन बैटर्स स्मृति मंधाना एंड शफाली वर्मा मेकअप द रेस्ट ऑफ द टॉप फाइव वुमेन्स T20। तो इंडियन बैटर्स का भी नाम हम याद रख सकते हैं, स्मृति मंधाना एंड शफाली वर्माकप, ठीक है। ये बाकी के टॉप फाइव वुमेन T20 में देखने को मिली विद द फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक, ठीक है। तो इनको फोर्थ और फिफ्थ रैंक मिला, स्मृति मंधाना एंड शफाली वर्मा को, और बेथ मुनी जो है इनको सेकेंड रैंक मिला गया, और सोफी डेवनी को थर्ड रैंक मिला गया। मैग लैनिंग जो है नंबर वन में देखने को हमें मिली T21 बैटर ICC वुमेन में, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है, इंडियन पर्सनालिटी भी हमें टॉप फाइव में देखने को मिली हैं, वो कौन सी हैं, स्मृति एंड शफाली, ठीक है। सेकेंड नंबर पर हैं बेथ मुनी, थर्ड पर हैं सोफी डेवनी, ठीक है। उसके बाद अगली बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, इन्होंने कंफर्म किया कि इंडिया जो है होस्ट करेगा ICC वुमेन वर्ल्ड कप। ये पहले भी हम जो है न्यूज़ देख सकते हैं, जो होस्ट है वो सिलेक्टेड बाय अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस हुआ, जो ओवरसीन बाय अ बोर्ड सब कमिटी चेयर्ड बाय, तो किसने चेयर किया ये जो कॉम्पिटिशन हुआ, ठीक है, बिडिंग कॉम्पिटिशन, मार्टिन स्नेडन ने, ठीक है। इसी के साथ साथ क्लेयर कॉनर, सौरव गांगुली एंड रिक्की स्केरेट ने जो है इसको चेयर किया, ठीक है। तो इंडिया जो है इसको होस्ट करेगा ICC वुमेन वर्ल्ड कप को, ठीक है, 2025 को। इंडिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड और श्रीलंका जो हैं ये फोर होस्ट घोषित किए ICC वुमेन्स वाइट बॉल इवेंट्स में फ्रॉम 2024 to 2027, ठीक है। 15th प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया की, द्रौपदी मुर्मू एज्यूम्ड ऑफिस विद द जौहर ग्रीटिंग टू द कंट्री, ठीक है। तो जौहर क्या है, ये एसेंशली क्या मतलब है इसका, सैल्यूटेशन एंड वेलकम, ठीक है। तो इनको जौहर ग्रीटिंग के साथ जो है वेलकम किया गया, और ये यूज़ किया जाता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ऑफ झारखंड, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक ग्रीटिंग करने का तरीका है जौहर, ठीक है। और सिंस ये फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, तो यहाँ पर उनको इस तरीके से जो है ग्रीट किया गया, और झारखंड में जो है इसको देखने को ये यूज़ किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ ग्रीटिंग, ठीक है। और स्पेशली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी हमें ये देखने को मिलेगा। कुछ सेवरल ट्राइबल लीडर्स जो हैं झारखंड के, वो उनका ये भी मानना है कि जो जौहर है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पेइंग रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, जौहर ग्रीटिंग के साथ इनको जो है वेलकम किया गया, इन्होंने ऑफिस रिज्यूम किया, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे मैंग्रोव इकोसिस्टम के कंजर्वेशन के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 जुलाई को हर साल, ठीक है। क्यों सेलिब्रेट करता है, ताकि अवेयरनेस जो है वो अवेयर किया जा सके, और इम्पोर्टेंस ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम का कितना अवेयरनेस है उसके ऊपर, कितना इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर अवेयर किया जा सके। यहाँ पर UN एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को जो है इन्होंने अडॉप्ट किया इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, कब अडॉप्ट किया था, 2015 में, ठीक है। तो 26 जुलाई को जो है ये हमें देखने को मिलता है। अगली जो न्यूज़ है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में है, IOA के बारे में है, इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया विद गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मेमोरेंडम साइन किया गया है गुजरात ओलंपिक एसोसिएशन के साथ और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि ये जॉइंटली कंडक्ट करवा सकें कौन सा, 36th नेशनल गेम्स 2022 को, कब, 22 जुलाई, ठीक है। ये 36th नेशनल गेम रहेगा और कहाँ पर हेल्ड किया जाएगा, गुजरात में, ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मेमोरेंडम साइन किया है गुजरात के साथ, ठीक है,
36th नेशनल गेम 2022 जो होएगा वो गुजरात में हेल्ड किया जाएगा और 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक ये हेल्ड किया जाएगा। लास्ट एडिशन जो था वो कब ऑर्गेनाइज किया गया, 2015 में देखने को मिला था और कहाँ पर, केरला में हमें देखने को मिला था नेशनल गेम्स का एडिशन। ठीक है, 2022 एडिशन जो होएगा नेशनल गेम्स का ये आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर द गैप ऑफ 7 ईयर्स हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इस ईयर योगासन और मल्लाखंबा, ठीक है, ये ऐड हुए हैं टू द लिस्ट ऑफ द गेम्स। ठीक है, तो ये जो योगा आसन है और मल्लाखंबा है इनको ऐड किया गया है गेम्स की लिस्ट में और ये प्रमोट करेगा इंडिजीनियस स्पोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो सिंस ये इंडिजीनियस स्पोर्ट्स में हम देखने को मिलता है, ठीक है, लास्ट एडिशन जो रहा था नेशनल गेम्स का वो कब ऑर्गेनाइज किया गया था, 2015 में केरला में, जैसे मैंने आपको बताया। 2022 का जो एडिशन रहेगा नेशनल गेम्स का वो आफ्टर 7 ईयर्स देखने को मिलेगा और उसी के साथ साथ 36 स्पोर्ट्स जो हैं वो होस्ट करी जाएंगे इन लाइन विद द टैगलाइन स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी। और यहीं पर योगा और मल्लाखंबा जो है वो इस गेम्स की लिस्ट में ऐड हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडोनेशिया जो है, इट कुड सून बिकम द सेकेंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू ऑर्डर द पोटेंट इंडियन रशियन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मीडिया रिपोर्ट, तो इंडोनेशिया जो है सेकेंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन बन चुका है जो कि इंडियन रशियन ब्रह्मोस जो है मिसाइल वो ऑर्डर करे। ठीक है, तो हो सकता है कि इंडोनेशिया जो है ब्रह्मोस को जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है जो कि डेवलप किया गया है बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस, एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, ये सेट किया गया था 1998 में। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, माना जा रहा है कि इंडोनेशिया भी इसको जल्दी ऑर्डर करेगा। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है, इंडियन ओरिजिन एक प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कहाँ पे, हॉस्टंग में, कौशिक राजशेखर, इनको एक प्रेस्टीजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज दिया गया है। तो प्रेस्टीजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज जो है किसको दिया गया है, कौशिक राजशेखर को देखने को मिला था। राजशेखर जो हैं ही वॉज गिवन द अवार्ड इन द न्यू वेज ऑफ एनर्जी एप्लीकेशन कैटेगरी। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन में और एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी में, कि पावर जनरेशन को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, और वहाँ पर इनको प्रेस्टीजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज इसलिए इनको देखने को मिला है। हॉस्टन यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ अगर हम बढ़े, आईसीसी अवार्डेड मेंबरशिप स्टेटस किसको अवार्ड किया गया, 3 नई कंट्रीज़ को। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स ऑन गोइंग एनुअल कॉन्फ्रेंस इन ब्रिमिंगम। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नई कंट्रीज़ को जो है एनुअल अवार्ड दिया गया है और यहाँ पे कौन कौन सी हैं, दी लेवोरी, ठीक है, अफ्रीका से, कंबोडिया एंड उज्बेकिस्तान फ्रॉम एशिया। ठीक है, तो इन 3 कंट्रीज़ को जो है आपका एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ब्रिमिंगम में उनको अवार्डेड मेंबरशिप स्टेटस जो है दिया गया है। द एडिशन ऑफ द 3 न्यू मेंबर कंट्रीज, ये ऐड हुई हैं मेंबर कंट्रीज इन द आईसीसी मेंबर्स में। अब जो हैं कंट्रीज, जहां पहले 96 थी, अब 108 कंट्रीज जो हैं वो जहां आईसीसी मेंबर्स की जो अब 108 कंट्रीज इंक्लूड हो गई हैं, इंक्लूडिंग 96 एसोसिएट्स। ठीक है ना, तो 3 नई कंट्रीज ऐड हुई हैं, पहले कितनी थी, 105 थी, अब 108 हो गई हैं कंट्रीज आईसीसी मेंबर्स में। ठीक है ना, नई कंट्रीज कौन कौन सी ऐड हुई हैं, कोट डिवोर, ये अफ्रीका से हैं, कंबोडिया और उज्बेकिस्तान एशिया से आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आया है CAPF में, 2021 का एक क्वेश्चन है, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो इसमें से नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा डिक्लेयर हुआ था 2021 में, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने सेलिब्रेट किया था। तो आंसर है आपका रेमोना। रेमोना जो था आपका नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो रेमोना जो है 6th नेशनल पार्क है असम का, इसको डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पर रेमोना रिजर्व फॉरेस्ट कोकराझार डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू 6th नेशनल पार्क ऑफ असम। ठीक है, तो असम का 6th नेशनल पार्क इसको
बोला गया था नया नेशनल पार्क का साम का देखने को मिला था रायमोना। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है ये किसके अंडर आता है, ये बोडोलैंड के अंडर आता है, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंडर आता है और ये भूटान के बॉर्डर के पास आपको देखने को मिलेगा। असम के टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, काजीरंगा है, ठीक है, मानस है, नामेर है, औरंग है, डिब्रू साइखोवा है और अभी एक नया ऐड हुआ था रायमोना। ठीक है, तो काजीरंगा, मानस, नामेर, औरंग एंड डिब्रू साइखोवा। ठीक है, उसके अलावा ये जो नेशनल पार्क है इट इज़ द होम टू गोल्डन लंगूर्स। ठीक है, गोल्डन लंगूर्स देखने को मिलेंगे, टाइगर्स देखने को मिलेंगे, एशियन एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे, क्लाउडेड लेपर्ड्स, वाइल्ड बफेलोज एंड इंडियन गौर भी देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है और ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 था जहाँ पर रायमोना जो कि असम का नेशनल पार्क है उसको डिक्लेयर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन CDS में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द खिजादिया बर्ड सेंचुरी इज और स्लैश आर करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट। ठीक है, तो क्या इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, देन इट इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो सबसे पहले तो मैं बता दूँ खिजादिया बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है। ठीक है, सो दैट मीन्स 2 इज करेक्ट। ठीक है, नाउ योर ऑप्शंस कुड बी बी और सी। ठीक है, ए और डी तो नहीं होगा। इट इज़ डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट, येस इट इज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट, सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इट इज़ नियर जामगढ़ इन गुजरात एंड बाखेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश हैव बीन लिस्टेड एज वेटलैंड्स ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बाय रामसर कन्वेंशन। ठीक है, सो खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो है ये आपको यहाँ पर, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं, आपको गुजरात में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर हमारा इट इज़ ओनली 1 इज़ करेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को भी कन्फ्यूजन हो गया, तो इट इज़ 1। ठीक है, तो कहाँ पर देखने को मिलेगी, गुजरात में आपको देखने को मिलेगी और उत्तर प्रदेश में बाखेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है ना, तो ये जो है आपके वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में जो है इंक्लूड किए गए रामसर कन्वेंशन में और यहाँ पर 49 जो है नंबर हो गया। अब टोटल कितना है, अब हमने अभी डिस्कस किया 54 है, तमिलनाडु से 3 है, मध्य प्रदेश से 1 है, मिजोरम से 1 है। ठीक है, खाजिदिया जो है 4th वेटलैंड जो है गुजरात का रामसर साइट का टैग जिसको दिया गया है। ठीक है ना, तो 4th है गुजरात से खाजिदिया। ठीक है, देन खिजादिया, सॉरी नॉट खाजिदिया, इट्स खिजादिया। ठीक है, उसके बाद नाल सरोवर है बर्ड सेंचुरी, थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वधवाना वेटलैंड है आर दी अदर रामसर साइट्स इन द स्टेट्स। ठीक है, तो गुजरात में और कौन कौन सी है, नाल सरोवर, थोल, वधवाना और अभी 4th कौन सी आई है, खिजादिया। ठीक है, द लास्ट टू ब्राइट जेलवर्स फॉर बेटर एजुकेशन वर इंक्लूडेड इन अप्रैल लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो अभी 49 थी पिछली, अब कितनी हो गई है, 54 हो गई है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंट्रीज फर्स्ट रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग कहाँ पर हेल्ड करी जाएगी, कुशाभाऊ में देखने को मिलेगी, ठाकरे ऑडिटोरियम कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है ना, तो फर्स्ट रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग कहाँ पर देखने को मिलेगी, भोपाल में देखने को मिलेगी, विच इज़ इन मध्य प्रदेश। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेशनल स्किल ऑफ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है मिलकर काम करेगा और ये ट्राइबल यूथ्स के लिए जो है उनको ट्रेन करने के लिए जो है ये एक कंट्री का पहला रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट आ जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, डबल ओलंपिक मेडलिस्ट बैडमिंटन एस पीवी सिंधु के बारे में बात की है। इन्होंने वेडनेसडे को फ्लैग बेयरर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स बिगनिंग। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी किसने कंडक्ट करवाई, पीवी सिंधु ने ही जो है बेयरिंग ओपन सेरेमनी जो है नेशनल बेयरर जो है वो देखने को मिली। टोटल 164 एथलीट्स जो हैं पार्ट लेंगे ओपनिंग सेरेमनी में जो कि कब होएगी, थर्सडे को आपको देखने को मिली। टोटल 215 एथलीट्स जो हैं इंडिया से हैं विल बी कम्पीटिंग एट दी कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो ओपनिंग सेरेमनी में 164 एथलीट्स हैं और इंडिया से नेशनल फ्लैग बेयरर कौन थी, पीवी सिंधु थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन है जो फ्लैग बेयरर रही हैं, पीवी सिंधु। ठीक है ना, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन्होंने सेटअप किया एक नेशनल लेवल अवार्ड, राष्ट्रीय खानिज पुरस्कार। राष्ट्रीय खानिज पुरस्कार किस
किसने सेटअप किया? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने सेटअप किया टू प्रमोट माइनिंग. किसके लिए सेटअप हुआ है? माइनिंग के लिए. किससे रिलेटेड है नेशनल राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार? माइनिंग से रिलेटेड है. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये प्रोवाइड करेगा इंसेंटिव. तो सेंटर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा स्टेट्स को ताकि इनकरेज करें इनके ऑक्शन मिनरल ब्लॉक्स के लिए. ठीक है, अवार्ड मनी कितनी होगी? 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन रिस्पेक्टिवली. तो राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है वो नवाजे जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को एक तरीके के इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा और जो भी जीतेगा पहला अवार्ड 3 करोड़ का होगा, दूसरा 2 करोड़ का और तीसरा 1 करोड़ का अवार्ड होएगा. ठीक है ना, ताकि माइनिंग को प्रमोट किया जा सके अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, उसके बाद शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है. तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल जो फॉरेन मिनिस्टर्स का है, इसकी जो मीटिंग है कहाँ कंडक्ट करवाई जाएगी? इंपॉर्टेंट है, उज्बेकिस्तान में इसकी मीटिंग देखने को मिलेगी. तो SCO की अब मीटिंग 2022 की कहाँ देखने को मिलेगी? उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेगी. तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो है, इनकी मीटिंग कहाँ हेल्ड होगी? उज्बेकिस्तान में होगी. इंपॉर्टेंट है, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? SJ शंकर. ये जो हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स जो हैं, ये उज्बेकिस्तान अभी जाएंगे और मीटिंग में पार्ट लेंगे. ये हमारा पहला, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम व्हेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जो होंगे वो एक टेबल शेयर करेंगे विद हिज पाकिस्तानी काउंटर पार्ट बिलावल भुट्टो. ठीक है, तो पहली बार ही हमारे पाकिस्तानी काउंटर पार्ट जो बिलावल भुट्टो हैं उनके साथ एक टेबल शेयर करेंगे. मेंबर कौन कौन है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जल्दी से देख लेते हैं. तो यहाँ पर रशियन देखने को मिलेगा हमें, ठीक है, देन आपका कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिज, ओके, उज्बेकिस्तान, और यहीं पर हमारी मीटिंग हेल्ड हो रही है और यहाँ पर जो है उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, उसके बाद तजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना. ठीक है, सो यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया मेंबर है, फिर आपका तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, देन यहाँ पर आपका किर्गिस्तान, ठीक है, फिर कजाकिस्तान, देन रशिया एंड देन यहाँ पर चाइना जो है वो पार्टिसिपेशन हमें इनका देखने को मिलेगा. तो ये मेंबर्स हैं शंघाई कॉरपोरेशन का, और उज्बेकिस्तान में आपको जो है मीटिंग हेल्ड होगी इस साल की. ठीक है, अगले न्यूज़ पे चलते हैं. तो यूनियन कैबिनेट जो है इन्होंने चेयर किया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड रिवाइवल पैकेज ऑफ 1.64 लाख करोड़ फॉर BSNL. तो BSNL के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है यूनियन कैबिनेट ने दिया है. तो यूनियन कैबिनेट जो कि किसने चेयर किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, इन्होंने अप्रूव किया एक रिवाइवल पैकेज, क्योंकि BSNL जो है काफ़ी अभी बिल्कुल ही जो है कहीं देखने को नहीं मिल रहा. तो इसके रिवाइवल पैकेज जो है 1.5 लाख करोड़ BSNL के लिए इन्होंने प्रोवाइड किया है. रिवाइवल मेजर्स फोकस ऑन इसका फ्रेश कैपिटल, BSNL सर्विस को अपग्रेड किया जा सके, ठीक है, जो भी बैलेंस शीट है उसको डिस्ट्रेस किया जा सके, और नया जो भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड जो नेटवर्क है इसको हम और स्ट्रॉन्ग बना सके, इसके लिए एक पैकेज तैयार किया गया है जो प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया. अगली न्यूज़ पर जाएं तो सऊदी अरेबिया का जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने अनवील किया एक फ्यूचरिस्टिक इको सिटी नियॉन. ठीक है, तो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने अनवील किया एक फ्यूचरिस्टिक इको सिटी नियॉन, जिसको फीचर किया गया, पैरेलल स्ट्रक्चर्स होंगे मिरर के, ठीक है, स्काई स्क्रेपर्स एक्सटेंडिंग अक्रॉस स्वाथ ऑफ डेजर्ट एंड माउंटेन टेरेक. तो एक इकोसिस्टम जो है इन्होंने अनवील किया कि ऐसा हम बनाएंगे. ठीक है, जो इको सिटी होएगा वो फर्स्ट अनाउंस किया गया 2017 में अनाउंस किया गया था. सेवरल आर्किटेक्ट्स और इकोनॉमिस्ट जो है इन्होंने क्वेश्चन किया कि इस तरीके से हो पाएगा या नहीं पाएगा ड्यू टू प्रपोज्ड फ्लरिशेज लाइक फ्लाइंग टैक्सीज एंड रोबोट मेड्स. तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया जो है अभी जल्दी से एक इको सिटी जो है वो अनवील करेगा, देखते हैं क्या बनता है आगे. ठीक है, उसके बाद एक और डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, 83rd रेजिंग डे. तो CRPF रेजिंग डे जो है ये कॉमेमोरेट किया जाता है हर साल जुलाई 27 को. डे मार्क करता है कि CRPF का जो फाउंडेशन हुआ था 1930 में, ठीक है, वो किस तरीके से हुआ था, और अभी के साल हम 83rd डे जो है वो रेस करें. CRPF ने रेस किया जुलाई 27 को इन 1939 में एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस बिफोर चेंज इन इट्स नॉमेनक्लेचर आफ्टर इंडिपेंडेंस. ठीक है, उसके बाद एक और डे जो है वो देखने को मिलता है हमें, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है हर साल
28 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो वायरल हेपेटाइटिस है ठीक है उसके ऊपर अवेयरनेस फैलाई जा सके। और ये बेसिकली क्या कॉज करता है, ये लिवर को डैमेज कॉज करता है, डिजीजेस कॉज करता है एंड स्पेशली लिवर कैंसर आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो इसी के ऊपर अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इस साल की, सो थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। ठीक है, इट इज़ द बर्थडे ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट। कौन है विनिंग साइंटिस्ट? डॉक्टर बारूच ब्लम्बेर। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज विनर हैं डॉक्टर बारूच ब्लम्बेर, और इन्हीं के डे पे हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और थीम आपको याद रखनी है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। ठीक है, किसके ऊपर है? कैंसर के ऊपर है। एक जो इन्फ्लेमेशन है ठीक है ऑफ द लिवर दैट लीड्स टू सिवियर डिजीजेस। ठीक है ना, तो लिवर को बचाने के लिए किस तरीके से अवेयरनेस करवाई जा सके। एक और डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है विच इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे। हर साल 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो डे है ये क्या अवेयरनेस क्रिएट करता है, ये अवेयरनेस क्रिएट करता है कि टाइगर्स को किस तरीके से बचाया जा सके और उनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, वो अवेयर करता है। उसके बाद इस साल की जो थीम है, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंडिया जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर रहा है टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, ये इस साल की थीम है। सिंस टाइगर्स जो हैं ये एक वॉर्ज हैं एक्सटिंक्शन पे, तो काफ़ी कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट साइन किया है एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, कहाँ पर? रशिया में, टू प्रिवेंट द सिचुएशन। ठीक है, तो रशिया में काफ़ी कंट्रीज़ ने मिलकर अग्रीमेंट साइन किया कि किस तरीके से टाइगर्स को प्रिवेंट किया जा सके और कंजर्व किया जा सके और इनकी इम्पोर्टेंस को जताने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम कुछ बात करेंगे आईएसए विक्रांत की। तो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, पता होगा नाम इसका। ये क्रिएट किया गया था एक नेवी के ओन डायरेक्टर ऑफ नेवल डिजाइन, और अभी जो है इट विल बी लाइकली बी कमीशन्ड ऑन द इंडिपेंडेंस डे। तो इसको कमीशन किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे पे और डिलीवर किया जाएगा नेवी को बाय द कोचिन शिपयार्ड। ठीक है, यहाँ पर इसका जो नाम है इंडियन नेवल शिप का विक्रांत, ये इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जो कि इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट रहा था इन द वॉर ऑफ 1971। तो 1971 के वॉर में आईएसए विक्रांत था, उसने काफ़ी, एक शिप थी, इसने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था और अभी ये जो है डिलीवर किया जाएगा नेवी को। ठीक है, 262 मीटर लॉन्ग कैरियर है और ये सिग्निफिकेंटली लार्जर और मोर मॉडर्न है अपने प्रेडिसेसर से। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने टन की है, 45,000 टन की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था, क्या नाम है इंडियन नेवल शिप का, INS विक्रांत। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ISO ऑब्जर्व किया जाता है हर साल July 28 को। ठीक है, तो July 28 को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस स्प्रेड करना रिगार्डिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो नेचर और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अवेयरनेस स्प्रेड करना ताकि हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन किया जा सके। ठीक है, जो कि एक स्टेबल और प्रॉस्पेरिंग ह्यूमन काइंड के लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, ये जो दिन है इट इज़ ऑल्सो मार्क्ड एज द डे टू क्रिएट पॉजिटिव ओपिनियंस अबाउट द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे एक्नॉलेज करता है एक हेल्दी एनवायरनमेंट और एक फाउंडेशन है इस स्टेबल हेल्दी सोसाइटी की। थीम क्या है इस साल की, टू कट डाउन द प्लास्टिक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमें पता होनी चाहिए। 22nd एडिशन जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का देखा जा रहा है, तो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करते हैं। 22nd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये हमें देखा गया कहाँ पर, अलेक्जेंडर स्टेडियम ब्रिमिंगम में, यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है। प्रिंस ऑफ वेल्स रीडिंग आउट फ्रॉम क्वींस लेटर डिक्लेयर्स द गेम ओपन। ठीक है, तो इन्होंने जैसे ही लेटर देखते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, वहाँ से जो गेम्स का ऐलान है और गेम्स जो है ओपन हो जाती हैं। 72 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया इन द परेड। ठीक है, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ये इंडिया के फ्लैग बेयरर रहे थे। ठीक है, पीवी सिंधु मैंने पहले भी डिस्कस किया और इसी के साथ साथ मनप्रीत सिंह भी जो थे इंडिया के फ्लैग बेयरर रहे थे एट द परेड ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स ओपनिंग सेरेमनी। 54 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया इन दिस स्पोर्ट्स एंड 6500 एथलीट्स जो हैं वो कम्पीट करेंगे इन 280 मेडल इवेंट्स में। ये जो इवेंट है ये 8 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा न्यूज़ थी कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर, वो हमने डिस्कस कर ली।
प्रणय कुमार वर्मा जो हैं ये इंडिया के नेक्स्ट हाई चीफ कमिश्नर बने गए। ठीक है, तो प्रणय कुमार वर्मा एन एक्सपीरियंस डिप्लोमेट हैं और आईएफएस ऑफिशियल हैं फ्रॉम 94 बैच। इनको चूज़ किया गया एक इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर कहाँ पे, बांग्लादेश के लिए। ठीक है, तो नाम याद रखना है। बांग्लादेश के हमने एक और बात करी जिन्होंने K2 हाईएस्ट पीक जो है वो उन्होंने पहली बांग्लादेशी वेमेन थी जिन्होंने उसको क्लाइम किया। आपको मुझे उसका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में अगर आप एंड तक ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, करंटली जो है एम्बेसडर हैं ये इंडिया के कहाँ पे, वियतनाम। तो वियतनाम के एम्बेसडर जो हैं टू वियतनाम ये करंटली एम्बेसडर हैं विक्रम दौरे स्वामी। द करंट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द UK इज र्यूमर टू बी टेकिंग ओवर दस ही इज़ एक्सपेक्ट टू स्टार्ट द जॉब एज सून। तो अभी बोला जा रहा है विक्रम दौरे स्वामी जो हैं हो सकता है वो अभी इसको टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, विच इज़ द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू वियतनाम। ठीक है, उसके बाद संदीप आर्या जो हैं ये भी एक IFS ऑफिसर हैं फ्रॉम 94 बैच। इनका भी नाम आया गया है एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। तो अब देखते हैं वियतनाम के एम्बेसडर कौन होंगे, लेकिन अभी की जो न्यूज़ ये है कि प्रणय कुमार वर्मा जो हैं ये हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं टू द बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग की बात करी है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 30 जुलाई को ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके हु इज़ बीइंग ट्रैफिकेड, जिनको उठा के जो है या तो स्लेव्स में लिया जा रहा है या तो कहीं प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला जा रहा है, तो वहाँ पर लोगों को अवेयर करवाया जा सके। तो डे एम करता है कि लोगों को एजुकेट किया जा सके कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन जो है ये क्राइम है। ठीक है, और एक्सप्लॉयटेशन है विमेन का, चिल्ड्रन का, फॉर ट्रैजिक जॉब्स। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा सके। थीम क्या है, यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस साल की जो थीम है इट इज़ यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये फोकस करती है ऑन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का रोल जो है हम यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सके। ठीक है, तो यही बात वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग जो 30 जुलाई को देखने को मिलता है वो हम देख रहे हैं। इंडिया का पहला टीचिंग रोबोट जो है इंट्रोड्यूस किया गया बाय इंडस इंटरनेशनल स्कूल। तो इंडस इंटरनेशनल स्कूल ने पहला टीचिंग रोबोट यूज़ किया है। ठीक है ना, सो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी के लिए स्कूल्स में इंडस इंटरनेशनल स्कूल ने लॉन्च किया इनोवेटिव एंड फर्स्ट टीचिंग रोबोट इंडिया में, और इसका नाम दिया गया ईगल रोबोट। ठीक है, तो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है फर्स्ट टीचिंग रोबोट नोन एज ईगल रोबोट। ठीक है, ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडियन और मलेशियन बॉडीज़ ने साइन किया एक डील टू सपोर्ट पाम ऑयल बिजनेस। तो पाम ऑयल बिजनेस के लिए डील किसके बीच में साइन हुआ है, मलेशिया और इंडिया के बीच में साइन हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल और इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ताकि अपनी जो कॉपरेशन है पाम ऑयल के रिलेटेड उसको किस तरीके से प्रमोट किया जा सके और यूज़ किया जा सके। अगली जो न्यूज़ है, छत्तीसगढ़ के जो CM हैं उन्होंने लॉन्च किया महात्री न्याय रथ। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया महात्री न्याय रथ, ये छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, और किस चीज़ के लिए ये लॉन्च किया गया, विमेन के राइट के लिए और उनके अवेयरनेस के लिए। तो ताकि स्टेट के जो वुमेन हैं उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में पता हो, लॉस के बारे में पता हो, छत्तीसगढ़ वुमेन कमीशन ने होस्ट किया, मुख्यमंत्री ने होस्ट किया है महात्री न्याय रथ। ठीक है, तो महिलाओं को उनके राइट्स दिखाने के लिए ये CM ने लॉन्च किया है। लार्जेस्ट पिंक डायमंड जो है 300 साल में पहली बारी कहाँ देखने को मिला है, लार्जेस्ट पिंक डायमंड। ठीक है, तो ये हमें अंगोला में देखने को मिला है जिसको लूलो रोज भी बोला जाता है। तो रेयर पिंक डायमंड जो है ये अभी पाया गया है 300 साल में पहली बारी कहाँ पर, अंगोला में, और ये सेंट्रल अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी। सो सेंट्रल अफ्रीका इंडिया से अगर हम बात करें कहाँ पर है, ठीक है, ये इंडिया है, तो यहाँ पर हमें कहीं सेंट्रल अफ्रीका देखने को मिलेगी। और अंगोला एग्जैक्टली कहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको अंगोला देखने को मिलेगा एकदम बॉर्डर पे। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पर जाएंगे तो ये आपको अंगोला देखने को मिलता है, अगर मैं पेन चेंज कर लेते हैं तो ये अंगोला आपको देखने को मिलता है एकदम बॉर्डर पे, इंडिया से लेके यहाँ पर जो कंट्री है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, एक डायमंड देखने को मिला, पिंक डायमंड देखने को मिला जिसका नाम है लूला रोज। ठीक है,
तो कहाँ पर, यहाँ पर, ओके, बॉर्डर में है। और जल्दी से देख लेते हैं और थोड़ा क्लोज में, साउथ अटलांटिक ओशन के पास देखने को मिलेगा। आगे पीछे कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डरिंग है, तो रवांडा, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है, यहाँ पर जैम्बिया है जो बॉर्डर करी है, और नैम्बिया, और इस साइड पे आपको ओशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो कॉन्गो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो इनको बॉर्डर कर रही हैं। साइड पर आपको देखने को मिलता है अंगोला, और यहीं पर ही हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक लूला रोज, एक पिंक डायमंड जो है हमें देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, गुजरात जो है फर्स्ट इंडियन स्टेट बनी है टू लॉन्च द सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर लॉन्च पहली स्टेट कौन है, गुजरात है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-2027 जो है वो गुजरात ने लॉन्च करी है। तो गुजरात गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ डेडिकेटेड गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-2027। क्या व्यू है, जनरेटिंग एटलीस्ट 2 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अगले 5 साल में कंडक्ट करवाई जा सके, गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक नई पॉलिसी के तहत, गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो कंडक्ट करवाई जा सके, ठीक है ना। तो यार यहाँ तक हमने सारी न्यूज़ आपकी कवर कर ली है, और ये वीकली करंट अफेयर्स रहा है आपका। आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई हो, ये आपको करंट अफेयर्स अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल। ये वीकली करंट अफेयर्स हम हर वीक जो है आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए, थोड़ा सा पैटर्न अलग चाहिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।